हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन तक। और आज की इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि 18 महीने का सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए का एरियर पे अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है, ये कहां तक आपकी बात पहुंची है, डिटेल्स आपको दिखा रहा हूं और एग्जैक्ट और सटीक न्यूज़ आपको दिखाऊंगा। लेकिन जिससे पहले वीडियो में स्टार्ट करूं, जो भी हमारा चैनल कंपटीशन तक पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी अपडेट्स हम अपलोड करें आप लोगों तक पहुंच सके। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले तो गवर्नमेंट ने 18 महीने के डियरनेस अलाउंस के एरियर को देने से इनकार कर दिया था, लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छी खबर ये है कि बीएमएस यानी कि भारतीय पेंशन भोगी मंच ने डीए और डीआर के एरियर के भुगतान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है और बीएमएस ने मोदी से अपील की है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करे और अभी इस पर फाइनल डिसीजन प्रधानमंत्री लेंगे। और अभी इस पे उम्मीद है कि अब जो भी होगा आप लोगों को मैं वीडियो के द्वारा फिर से अपडेट दूंगा, लेकिन अभी तक इस पे फाइनल डिसीजन अवेटेड है और ये मामला अभी प्रधानमंत्री कार्यालय में है और बहुत जल्दी इसमें फैसला आने की उम्मीद है। पहले तो गवर्नमेंट इस चीज़ से साफ मना कर चुकी है कि एरियर नहीं देंगे, लेकिन अभी एक बार फिर बीएमएस ने अपील की है, चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री मोदी को और अभी उसे कंसिडर किया जा सकता है। हालांकि न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि अच्छी खबर ये हो, तो ये सब एग्जैक्ट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि बस अभी स्टेटस यही है। इंग्लिश में भी देख सकते हैं, द इंडियन पेंशन पेंशनर्स फोरम हैज़ कॉन्टेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद ए लेटर रिक्वेस्टिंग द पेमेंट ऑफ डीए एंड डीआर एरियर्स। बीएमएस हैज़ रिक्वेस्टेड दैट पीएम मोदी इंटरवीन्स इन दिस केस एंड फर्दर आस्क टू डायरेक्ट द फाइनेंस मिनिस्ट्री टू डिस्चार्ज द डीए डीआर एरियर्स विद हेल्ड बिटवीन 1 जनवरी 2020 टू 30 जून 2021 एज सून एज पॉसिबल। तो ये बड़ी खबर है अभी लेटेस्ट। इसमें फिर क्या प्रधानमंत्री करते हैं, क्या इसमें फैसला आता है, क्या इसमें डिसीजन होता है, आप लोगों तक हम बताएंगे। इसके अलावा अभी 3% जुलाई 2021 से भी डीए बढ़ने की उम्मीदें हैं और उम्मीद है कि अक्टूबर के मध्य तक इसके बारे में अनाउंसमेंट हो जाए। तो ये अभी लेटेस्ट अपडेट है डीआरएनएस अलाउंस को लेकर। तो जो भी हमारा चैनल कंपटीशन तक पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि एग्जैक्ट और सटीक अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके।